पियानो। हम लोगों ने पहले चैप्टर में ये डिस्कस किया था कि फूड क्या है और वो कहाँ कहाँ से आता है, क्या क्या सोर्सेज हैं उसके। बट नाउ इन आवर सेकेंड चैप्टर दैट इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड, हम डिस्कस करेंगे कि जो फूड है वो हमारी नेसेसिटी तो है लेकिन हमारे लिए जरूरी क्यों है। उसमें ऐसे कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो हमारी इम्यूनिटी को इंक्रीज क्यों करता है, किस तरीके से करता है, उसमें ऐसे क्या चीजें हैं, क्या स्पेशलिटी है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है इतनी। सी, जैसे हमने पहले वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो फूड है आप जैसे जैसे अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे वैसे वैसे ही अलग अलग वेराइटीज आपको फूड की मिलती रहेंगी। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग वेराइटीज मिलेंगी। एंड देन नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पर एक और चीज कि आपके फूड वेराइटीज भी चेंज हो जाएंगी। आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिल रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स, सी इंग्रेडिएंट्स का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप लोग कहीं पर भी गए या फिर आपने घर में कुछ भी खाना जैसे लंच है, मील है, आपने अपना तैयार किया और उस मील में आपके साथ क्या हुआ कि यू आर हैविंग दाल, रोटी, चावल, रायता, व्हाटएवर सो इन योर मील। अब यहाँ पर आपका जो दाल है दैट इज योर इंग्रेडिएंट, आपका जो फूड है चपाती है उसका मेन इंग्रेडिएंट क्या होगा, वीट, राइस है, दे आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। तो जैसे जैसे आपकी फूड वेराइटीज होंगी उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फूड इंग्रेडिएंट्स भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, मतलब कि ऐसे फूड आइटम्स जो हैं अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि उनमें काफी सारे इंग्रेडिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर हमारा फूड बनता है, मिलकर हमारा खाना बनेगा, मिलकर हमारा लंच बनेगा, मील बनेगा, वॉट एवर सो। तो यहाँ पर क्या होगा कि डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं और उन कॉम्पोनेंट्स को जो प्रेजेंट रहेंगे दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि द फूड इज कंटेनिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड दोज इंग्रेडिएंट्स कंटेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉम्पोनेंट्स, दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। अब वो न्यूट्रिएंट्स क्या हुए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, दे ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं और हमें जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है दे आर इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड स्टार्च। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, What do various nutrients do for our body? Nutrients present हैं, food important है, immunization कैसे provide कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनमें various types के nutrients present हैं तो वो हमारी body में important किस तरीके से हैं। सी, जैसे आप लोगों को हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि हमारी body में जो carbohydrates present रहते हैं they are in the form of sugar and starch। तो यहाँ पर एक और चीज याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। व्हेन एवर वी फील वीक, व्हेन एवर वी फील टायर्ड, तो ऑलवेज रिमेम्बर कि हम लोग क्या करते हैं कि शिकंजी पी लेते हैं या फिर इन नेक्स्ट वे वी ईट ग्लूकोज विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ओनली। और रिसेंटली हम लोग को ऐसे फील होता है कि नाउ वी आर फाइन, ओके, एंड वी आर फीलिंग बेटर। इन द सेम वे फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड सेम क्वालिटी ऑफ एनर्जी टू आर बॉडी, दैट्स व्हाई दे बोथ आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड। एंड ऑलवेज आई वॉन्ट टू से वन मोर थिंग रिगार्डिंग कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स कि यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू आर बॉडी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज है जो याद रखने लायक है कि जो हमारा फैट्स है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है, मतलब कि अगर आप सेम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स प्रोवाइड
कंज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कंपैरेटिव आपको फैट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। अब इनके सोर्सेस क्या क्या हैं कि अगर एज आई टोल्ड यू बिफोर कि हमेशा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हम जो भी खा रहे हैं, जो भी फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उन सारे के सारे फूड्स में हमें सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं। कुछ कार्बोहाइड्रेट रिच होंगे, कुछ प्रोटीन रिच होंगे, कुछ मिनरल रिच होंगे, कुछ फैट रिच होंगे। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि हम जो फूड या जो इंग्रेडिएंट कंज्यूम कर रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स के साथ साथ मिनरल्स भी हो, प्रोटीन्स भी हो, विटामिन्स भी हो, सब हो, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर एक फूड इंग्रेडिएंट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को जरूरत है या फैट्स जरूरत है, एज आई टोल्ड यू कि अब जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। हमें कोई भी वर्क हम करते हैं तो फॉर दैट एनर्जी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमें एनर्जी चाहिए तो वॉट वी हैव टू कंज्यूम, राइस, बाजरा, शुगर केन, मेलन, पपाया, मैंगो, मेज एक्सेट्रा, दीज ऑल आर द सोर्सेज, these all are the food ingredients which give us carbohydrate. मतलब कि हम इनसे कार्बोहाइड्रेट लेंगे and carbohydrate will provide us energy. Next is about fats. कि fats हमेशा plants और animal sources से हमें मिलेगा. Plant sources और animal sources हम पहले भी discuss कर चुके हैं, but दोबारा से बताते हैं कि plant sources में जैसे आपका sunflower oil है, mustard oil है, coconut oil है, या coconut है, तिल है, या nuts and ground nuts है, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें हमारे क्या आ जाते हैं, plant sources में। और एनिमल सोर्सेज भी हमें फैट्स प्रोवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे चीज, बटर, मिल्क, मीट, फिश, एग्स एक्सेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें फैट्स प्रोवाइड करेंगी और ये सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स हमें प्रोवाइड करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। सो आर कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स टॉपिक इज क्लियर। नेक्स्ट वी कम टू प्रोटीन। अब प्रोटीन किस लिए जरूरी है कि ऑलवेज रिमेम्बर हमारी बॉडी में जब भी कहीं चोट लग जाती है तो उसके लिए हमें रिपेयरिंग हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हमारे सेल्स क्या करते हैं, आपस में उनको रिपेयर कर लेते हैं। अब वो रिपेयर कैसे करेंगे, वो हमारी इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड करेगी प्रोटीन। प्रोटीन में ये कैपेबिलिटी होती है कि हमारी बॉडी में अगर हमें रिपेयरिंग चाहिए या फिर हमें ग्रोथ चाहिए तो उस चीज़ को हमारे उस चीज़ के लिए हमारे लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रीज़न इज दिस कि हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर हमें प्रोवाइड करेगा हमारा प्रोटीन, इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने कभी भी नोटिस किया होगा कि किसी को भी अगर अपनी बॉडी की ग्रोथ करनी जरूरी होगी या फिर कोई भी जिम ज्वाइन करेगा तो दे आर ऑलवेज कंज्यूमिंग प्रोटीन रिच फूड। तो यहाँ पर ऐसे फूड जो हमें प्रॉपर वे में ग्रोथ प्रोवाइड करें, जो हमें रिपेयरिंग कैपेबिलिटी दें हमारे सेल्स को, उसके लिए हमारी बॉडी में प्रोटीन जरूरी है। हर एक न्यूट्रिएंट का अपना अलग अलग काम होता है, हर एक न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में अलग अलग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर प्रोटीन्स के लिए हमें क्या बोला जाता है, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें ग्रोथ और रिपेयरिंग कैपेबिलिटी दोनों ही प्रोवाइड करता है। अब उसके सोर्सेस क्या क्या है, कहाँ कहाँ से किन किन सोर्सेस को या किन किन फूड इंग्रेडिएंट्स को खाने के बाद हमें यहाँ पर प्रोटीन मिल सकता है। सो एज वी कैन से कि प्रोटीन हमें प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस दोनों से मिल सकता है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि प्लांट सोर्सेस में आपका ग्राम, मूंग, तुअर दाल, फूड, सोयाबीन्स, पीस, बीन्स एक्सेट्रा, वॉट एवर, सो ये सारे के सारे सोर्सेज या सारे के सारे फूड इंग्रेडिएंट्स जो हमें प्लांट से मिलते हैं, दे कम्स अंडर प्लांट सोर्सेज। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, इन सब से हमें यहाँ पर प्रोटीन मिलेगा। एंड ऑलवेज रिमेम्बर जो सोयाबीन होता है वेजिटेरियन फूड में, वो हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करता है। एंड नेक्स्ट इज एनिमल सोर्सेज। तो एनिमल सोर्सेज में आपका फिश है,
पनीर है, मिल्क है, चीज, एग, मीट एक्सेट्रा, दे ऑल प्रोवाइड अस प्रोटीन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट पॉइंट वी कम्स टू विटामिन्स. सी, ऑलवेज रिमेम्बर कि अब विटामिन्स का भी अलग वर्क होगा हमारी बॉडी में. तो वो अलग वर्क ये है कि दे प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस. अगर कोई भी बॉडी में, हम किसी की भी बॉडी में बाहर से कोई भी माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्या करेगा? विटामिन्स. अगर आपकी बॉडी पूरी इम्यूनाइज्ड है, आपकी बॉडी में सफिशियंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी बॉडी बिल्कुल इम्यूनाइज्ड रहेगी और बहुत छोटे मोटे जो आपके नॉर्मल माइक्रोब्स है वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेंगे. लेकिन अगर आपकी बॉडी में विटामिन्स की डेफिशिएंसी है, तो आपके साथ क्या हो जाएगा कि आपकी बॉडी उस चीज को हैंडल नहीं कर पाएगी और आपकी बॉडी को वो पर्टिकुलर माइक्रोब इन्फेक्ट कर देगा. तो दैट इज व्हाई विटामिन्स हमें क्या करते हैं? प्रोटेक्शन देते हैं. हमारी काफी सारी सेवरल डिजीजेज हैं, उनसे हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं. तो यहाँ पर एक और चीज बतानी है कि विटामिन्स काफी सारी तरीके की होती है. विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी, विटामिन डी. इनमें क्या होता है, हर एक विटामिन की भी अलग अलग इम्पोर्टेंस है. यहाँ पर अलग अलग विटामिन्स क्या कर रहे हैं, हमें अलग अलग फैक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, अलग अलग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे. अब यहाँ पर जैसे ओवरऑल हम जब विटामिन्स को लेकर पढ़ते हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि हमारी आईज, बोन्स, गम्स एंड टीथ को हेल्थी रखते हैं. आप कोई भी विटामिन कंज्यूम कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको ये सारे आपके बॉडी जो पार्ट्स हैं वो हेल्थी रहेंगे ही रहेंगे, वो आपकी बॉडी को बिल्कुल अच्छे से रखेंगे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर विटामिन्स, कि अगर हम विटामिन ए खा रहे हैं तो हमें किस चीज़ से है ना हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड होगी, विटामिन बी से हमें क्या हेल्प मिलेगी, विटामिन सी से हमें क्या हेल्प मिलेगी, तो हमारे साथ क्या है यहाँ पर, विटामिन ए से हमें हमेशा, हम जब भी विटामिन ए कंज्यूम करेंगे तो विटामिन ए से हमें हमेशा क्या होगा, स्किन एंड आईज हेल्थी रहेंगी हमारी. विटामिन ए से इफ वी आर थिंकिंग अबाउट स्किन एंड आईज, तो हम जो भी विटामिन ए जब भी कंज्यूम करेंगे तो मीटू से कि हमारी स्किन और आईज हमारी सेफ है, मतलब कि ये हेल्थी है. एंड नेक्स्ट वी कम टू विटामिन सी. तो विटामिन सी से क्या होगा कि यहाँ पर हमारी बॉडी को अलग अलग डिजीज से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा विटामिन सी. विटामिन सी हमने कंज्यूम किया और विटामिन सी करने से हमें क्या हुआ कि हमारी बॉडी बिल्कुल इम्यूनाइज्ड हो गई अगेंस्ट सेवरल डिजीजेस. अब विटामिन सी किन में प्रेजेंट रहता है, तो हमारे ऑलमोस्ट जितने भी सोर इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सोर फूड्स रहते हैं, मतलब जो भी खट्टे फल होते हैं या खट्टी चीजें होती हैं, उनमें ऑलमोस्ट, नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट 100%, लेकिन ऑलमोस्ट आपका यहाँ पर उन चीजों में यहाँ पर क्या रहेगा, विटामिन सी प्रेजेंट रहेगा.